चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील जी जानू, कल चांदी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। तुमने चांदी की टीचर से चांदी की पढ़ाई के बारे में हर चीज डिस्कस करनी है कि वो कैसा पढ़ रही है, वो टेस्ट कैसे दे रही है, वगैरह वगैरह। क्या तुम्हें तो पता है कि चांदी की पढ़ाई के बारे में मैं कितना ज्यादा फिक्रमंद हूँ, बहुत ज्यादा मुझे टेंशन है इस चीज की। नबील कल तुमने भी मेरे साथ चांदी के स्कूल जाना है। क्या? हाँ। जानू मेरा वहाँ क्या काम है? नबील पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स का ही काम होता है। वो जानू पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना मदर्स का काम होता है। अच्छा। हाँ जानू, अगर मैं तुम्हारे साथ चांदी के स्कूल चला गया तो उसके दोस्त और टीचर क्या सोचेंगे कि उसका बाप बिल्कुल फारिग है? हाँ भाई, ये तुम्हारा काम है, तुम ही जाओ यार। और तुम्हारा क्या काम है नबील? पूरा दिन घर पे बैठ के मोबाइल पे गेम्स खेलना। क्या मतलब इस बात का, ये कोई आसान काम है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, तुम जरा कैंडी क्रश 615वां लेवल तो खेल के दिखाओ मुझे। अरे राणा रिजवान अजमा जैसा आदमी जो है वो नहीं अभी तक इसको निकाल पाया। शट अप नबील। ओके जानू प्लीज मैं गेम खेलूं। एक तो आदमी इस घर में सुकून से रह भी नहीं सकता दो घड़ी। माँ जी आप क्या कर रही हैं? उधर मैं चलगोजे खा रही हूँ। ओ माँ जी, ये चलगोजे नहीं निम्को है यार। हाँ लेकिन मैंने तो स्टॉक से चलगोजे मंगवाए थे। कौन स्टॉक? मेरा मियाँ। और कौन? ओ माँ जी उनका नाम महमूद है, महमूद। हाँ मैंने महमूद से चलगोजे मंगवाए थे। ओ माँ जी बस कर दे, महमूद साहब चलगोजे ले ही ना आए, 4000 रुपए किलो है। महमूद साहब? नहीं यार चलगोजे। ओ माँ जी ये निम्को दिन में नहीं खाते, शाम में टी टाइम पे खाते हैं। क्यों पुत्र, दिन में क्या इसमें कीड़े निकल आते हैं? यार नबील क्या हुआ महमूद साहब? यार नबील ये सारे बाथरूम की छतों पे सीपेज हो रही है यार। तो मैं क्या करूं भाई? भाई जावेद साहब को फोन करके बोलो कि इन्हें ठीक करवाएं। बल्कि उन्हें ये भी बोल दो कि 1.5 साल हो गया उन्होंने घर में पेंट वेंट भी नहीं करवाया। अरे भाई हम किराएदार हैं, आखिर हमारे भी कुछ हुकूक हैं। अरे सारे मालिक मकान अपने किराएदारों को रंग रोगन करवा के देते हैं साल के साल। ओ यार महमूद साहब वो किराएदार किराया भी देते हैं, हमने पिछले 6 महीने से किराया दिया गया है यार। 6 महीने से किराया नहीं दिया ना, रंग रोगन तो उसने 2 साल से नहीं कराया। अरे हाँ नबील, हम उन्हें ना फोन करके पहले ही बोल देते हैं कि हमें रंग रोगन करवा के दे, इससे पहले कि वो हमसे किराया मांगे। कैसा? बेशक। महमूद साहब माँ जी ने आइडिया बुरा नहीं दिया। क्या फिर अंदर चल के जावेद साहब को मलेशिया फोन लगाते हैं। वो जो जावेद साहब को हमने फोन करना है वो मलेशिया है। हाँ जी। आओ जी। आओ जी चले। उधर चली गई। कौन माँ जी? वही जो दरवाजे के बाहर है। अरे दरवाजे के बाहर कौन है जो चली गई? वही जो बचती है। अरे चुप करो मोमो। हाँ नबील बैल गई। हाँ बैल, बैल पुत्र बैल गई। ओ नहीं माँ जी, क्या मैं सब जावेद साहब का नंबर बंद आ रहा है यार? कहीं जावेद साहब का मोबाइल छीन तो नहीं गया? ओ यार क्या हो गया महमूद साहब, जावेद साहब मलेशिया में है यार। तो क्या मलेशिया में फोन नहीं छीनते? नहीं। चल पुत्र फिर मलेशिया चले। अरे हम मलेशिया जाके क्या करेंगे? उधर जाके हम लोगों के फोन छीनेंगे। दे ताली। अरे छोड़ो भाई। यार वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि जावेद साहब का नंबर बंद मिल रहा हो? यार नबील जावेद साहब को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ओ यार महमूद साहब खुदा का नाम माने, अगला एपिसोड आपने शूट करना कि नहीं यहाँ पे? ओ माँ जी देखे बाहर कौन आया है। अच्छा यार उनका फोन बंद क्यों जा रहा है? पता नहीं मामू साहब, टेंशन हो रही है यार, अब देखना कैसा इस्तकबाल होता है मेरा। हाँ भाई तू कौन है? ये घर तुम्हारा ही है ना जीडी? हाँ हाँ मेरा ही है यार, मैं हूँ जावेद। हाय जावेद मियां दाद। अरे भाई नहीं जावेद, इस घर का मालिक, आप लोगों का मालिक है मकान। इस घर का मालिक तो कोई फयाज है। फयाज? जेडी तुमने मुझसे झूठ बोला, इस घर का तो कोई मालिक फयाज है। आप मुझे उस फयाज का नंबर दे सकती हैं? अरे भाई रुको, किस औरत को भूलने की बीमारी है यार। तो फिर इसे ये कैसे याद है कि इस घर के मालिक के मकान का नाम फयाज है? अरे यही तो भूल गई है ये। आप नबील को बुलाएं, नबील को बुलाएं। कौन नबील? देखिए तुमने, ये अपने बेटे का नाम भी भूल गई है। मेरे बेटे का नाम नईम है और मैं अभी बुलाती हूँ उसको। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक अमीर आदमी और ये घर तुम्हारा है, मैं जा रही हूँ। रुको यार नबील को तो आने दो, सब पता चल जाएगा। नबील नहीं, नहीं। अरे यार नबील है उसका नाम। कौन था माँ जी? पुत्र एक आदमी है बाहर, कह रहा है कि वो रियाज है और ये घर उसका है। हाँ? अरे नबील जाके देखो किसी और मुसीबत में ना फंस जाए यार। ओ यार हटे मुझे देखने दे। हटे हटे आप भी हटे चले।
जावेद साहब आप कैसे हैं? आप बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अब यकीन आया तुम्हें? मैं और महमूद साहब आप ही को याद कर रहे थे, बल्कि हमने तो फोन भी किया था, लेकिन आपका मलेशिया वाला फोन जो था वो बंद आ। अरे फोन तो बंद होगा ना, मैं जो यहाँ हूँ। अरे हाँ जावेद साहब, ये कौन है? कौन क्या मतलब, मेरी वाइफ है ये। अरे अच्छा, भाभी कैसी है आप? अरे भाई सारी बातें यही खड़े खड़े करोगे, अंदर ही बुलाओगे क्या? अरे क्यों नहीं जावेद साहब, आपका अपना घर है, आप तशरीफ लाइए, आइए आइए, प्लीज आइए 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 आइए। आपने इन्हें अभी ये क्यों कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ? वो नहीं तो क्या होने वाला था ना? पाजी महमूद साहब जानू, देखो ये कौन आया। अरे जावेद साहब ये कौन है? ओ मानी जावेद साहब है हमारे मालिक मकान। भाई इनको तो मैंने देखते ही पहचान लिया था। तो माँ जी अंदर क्यों नहीं लेके आई थी? ओए पुत्र मैंने सोचा कि किराया ही ना मांग ले। हाँ जावेद साहब सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये हैं महमूद साहब, ये इनकी बीवी है, वो नबील है, और ये है खूबसूरत। तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अरे मेरा मतलब इनका नाम खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? खूबसूरत है। जावेद साहब ये कौन है? ये जावेद साहब की बीवी है यार, लगती नहीं है वैसे। क्या मतलब? मतलब है कि आपकी बेटी लगती है ना। है प्लीज आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। एक मिनट। देखा मैंने कहा था ना शानदार इस्तकबाल होगा मेरा। अब बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हमें आपसे ना बड़ी जरूरी बात करनी थी। दरअसल हमारे बाथरूम में ना सीपेज हो गई है। अरे भाई ये सारी बातें बाद में करेंगे, मेरी वाइफ आई हुई, इनकी खिदमत तो करो भाई। वो जो आपकी वाइफ की करनी है वो खिदमत है। हाँ महमूद साहब आओ जानू, हम लोग मिलजुल के ना जावेद साहब की बीवी और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। चलो भाई मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका अपना घर है, बेशक दिखाइए। चले माँ जी हम लोग किचन में चलते हैं। अच्छा अच्छा आइए। आप चलो तुम्हें मैं अपना घर दिखाऊं। अब ये है मेरा मास्टर बेडरूम। उफ कितना गंदा किया हुआ है इन लोगों ने, पता नहीं क्या करते हैं, बहुत ही गंदे लोग। मुझे तो बहुत स्मेल भी आ रही है, यहाँ से दम घुट रहा है मेरा। नो प्रॉब्लम, हम ऐसा करते हैं कि बाहर लॉन में जाके चाय पीते हैं। चाय के साथ ना समोसे वगैरह फ्राई कर लेते। हाँ पुत्र ये ठीक है, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है समोसे खाने का। हाँ जी हम समोसे जावेद साहब उनकी बीवी के लिए बना रहे हैं, आपने हाथ नहीं लगाने। यार जावेद साहब अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों नहीं यार, इतनी अच्छी तो है बेचारी। नबील अगर जावेद साहब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम अपनी वो लिस्ट उनको पकड़ा दें। कौन सी लिस्ट? भाई घर में जो काम करवाने हैं उनकी लिस्ट। हाँ नबील वो अपनी बीवी के साथ है, मना भी नहीं कर सकते। ठीक है जानू तुम लोग चाय बनाओ, महमूद साहब चलें हम लोग लिस्ट बनाते हैं। वो तो हम दोनों बनाएंगे, वो लिस्ट होगी। हाँ जी। अच्छा जी जानू तुम लोग चाय बनाओ, हम लोग अभी लेके जाते हैं। महमूद साहब आए, हम लिस्ट बनाते हैं। इन लोगों ने तो सारा लॉन बर्बाद करके रख दिया। जी तुम्हें जरूरत क्या थी घर किराए पे देने की? अरे मुझे क्या जरूरत हो सकती है, मैंने तो इन लोगों पे तरस खा के रहने दिया है, किराए तक तो दे नहीं सकती है। लेकिन लेकिन जानू तुम फिक्र मत करो, तुम्हें गिफ्ट करने से पहले पूरा घर तुम्हें रिनोवेट करवा के दूंगा। सच? हाँ जावेद साहब हम आ गए, हम आ गए। अरे जावेद साहब आप बाहर क्यों आ गए? अरे अंदर मेरी वाइफ को घुटन हो रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा चले ये समोसे और चाय पिए, और साथ साथ ना ये एक नजर इस लिस्ट पे मार लीजिएगा। ये कैसी लिस्ट है भाई? ये उन छोटे मोटे कामों की लिस्ट है जो आपने करवाने हैं। है? हाँ हाँ बाथरूम के नलकों से लेकर किचन की खिड़कियों तक की डिटेल है इसमें। हाँ हाँ ये सब तो मैं करवा ही लूंगा। थैंक यू जावेद साहब, बस तुम लोग घर खाली कर। अरे ये काम करवाने के लिए घर खाली करवाने की क्या जरूरत है? हाँ ये काम तो बगैर घर खाली किए भी कराए जा सकते हैं। अरे भाई तुम लोग मेरी बात समझे नहीं, असल में मैं ये घर अपनी वाइफ के नाम करवाना चाहता। तो ये इस घर में रहेंगी, इसलिए ये घर आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। क्या? अरे अगर इनके रहने का मसला है तो इनसे कह के हमारे साथ रह लें, हम एडजस्ट कर लेंगे और हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या बकवास है, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम लोगों को एक हफ्ता देता हूँ घर खाली करने के लिए। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार, इतनी जल्दी हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? वो तुम लोगों का मसला है, अब शाबाश जाओ और हम दोनों को आराम से चाय पीने दो। क्यों डर लेंगे? जानू मामा। क्या हुआ नबील, क्या जावेद साहब काम करवाने के लिए राजी नहीं हुए? ओ जानो, काम तो दूर की बात है, वो हमसे घर खाली करवाना चाह रहे हैं यार। क्या? हाँ, वो ये घर अपनी बीवी के नाम कर रहे हैं और वो अगले हफ्ते से यहाँ आके रहेगी। क्या मतलब है, हमने इस घर में 300 एपिसोड्स किए हैं, इतनी जल्दी दूसरी लोकेशन कैसे मिलेगी? अब कुछ नहीं हो सकता जानू, घर तो खाली करना पड़ेगा ना यार। चलाओ मोमो, पैकिंग शुरू करो। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, इस घर से अब मेरी लाश ही जाएगी बस। और इस घर में मेरा बच्चा लोया पैदा हुआ है, उसकी शादी भी इसी घर में होगी। हाँ नबी, तुम जावेद साहब को जाके कह दो कि हम नहीं छोड़ रहे ये घर। ओ यार जानू, कैसे बोल दूँ? अपने मुँह से जाके बोलो नबील, और कैसे बोलोगे? चले मैं मुँह साहब एक ट्राई और कर लेते हैं यार, तो जो हमने एक और करनी है वो ट्राई। हाँ जी, आओ और अब तो खुश हो ना डाली। अभी कहा तुमने, कौन सा अभी से ये घर मेरे नाम कर दिया? अरे भाई कर दूंगा, कल सुबह होते ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब तो शादी करूंगी ना मेरे साथ। हाँ ना कर लूंगी। यार मैं मूसा, ये जावेद साहब की बीवी नहीं है? हाँ नबील, देखो मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तुमने कहा था कि तुम मुझे गाड़ी भी गिफ्ट करोगे जेडी। हाँ हाँ दिलाऊंगा ना। और अपनी बीवी को मेरे बारे में कब बताओगे? अरे उसे कैसे बता सकता हूँ यार, मैंने तो सारी जायदाद उसके नाम कर दी है, वो सड़क पे ले आई मुझे। तुमने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है? अरे तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अरे ये घर और गाड़ी दे तो रहा हूँ तुम्हें। हाँ, फिर ठीक है। बस ख्याल रहे इन लोगों को मालूम ना हो कि हम अभी भी नहीं है। क्यों? अरे तुम इन नबील और महमूद को नहीं जानती, एक नंबर के घटिया लोग हैं। क्या? हाँ या नबील, अरे इसने हमें घटिया कह दिया है। चले महमूद साहब इस शख्स को अपना घटिया पन दिखाते। आओ फिर ये चीज, ये चीज, ये आओ। नहीं तो इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे? हम दोनों छुप के ना उन दोनों की बातें सुन रहे थे। क्या? हाँ जानू, वो लड़की उनकी बीवी नहीं है। हाय, तो क्या बेटी है? अरे नहीं मोमो, वो उस लड़की को लालच देकर उसे शादी कर रहे हैं। हाँ, और वो इस शर्त पे राजी हुई है कि वो ये घर उसके नाम करेंगे। वैशावशे, इसका मतलब तो ये हुआ नबील के जावेद साहब की पहली बीवी को कुछ नहीं पता। ना जानू, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है यार। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना जानू। क्या मतलब? अब हम देखते हैं कि जावेद साहब हमसे घर कैसे खाली कराते हैं। क्यों मामू साहब? अरे अब हम घर के सारे वो काम भी करवाएंगे और उनसे किराया भी माफ करवाएंगे। क्यों नबील? ये चीज मेरे अजीज, आओ फिर जावेद साहब से दो दो हाथ करें। वो जो हमने जावेद साहब से करने हैं वो दो दो हाथ हैं जी। और क्या, चार चार हाथ है। आओ जी, हां जी, आओ जी, हां जी, आओ जी। भाई बड़े खुश लग रहे हो, लगता है दूसरे घर का इंतजाम हो गया है। अरे जावेद साहब, दूसरे घर की क्या जरूरत है जब ये घर है तो। अरे ये घर तो खाली करना पड़ेगा ना इस हफ्ते। अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप जरा इधर कोने में तशरीफ लाइए दो मिनट। हाँ, और वो लिस्ट लेके आइएगा जो मैंने आपको पकड़ाई थी। ये तुम्हें कोने में क्यों बुला रहे? अरे कुछ पैसे वैसे चाहिए होंगे फकीरों को, तुम समोसा खाओ मैं अभी आता हूँ। चलो आइए 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 जावेद साहब, आइए 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 जावेद साहब, आइए आइए। जरा ये लिस्ट दीजिएगा, इसमें ना कुछ और चीजें लिखनी है। हाँ, और ये सारी चीजें आपने हमें इसी हफ्ते करवा के देनी है। क्या? हाँ, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जावेद साहब। अबे तुम लोगों को सीधी सीधी बात समझ क्यों नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ ये घर खाली करो बस। अरे घर? हाँ घर तो हम खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? इसलिए कि हमने आपकी और इन वाली भाभी जी की सारी बातें सुन ली है। क्या? जावेद साहब हमें पता है कि ये आपकी वाइफ नहीं है, आपकी वाइफ तो मलेशिया में है। क्यों मामू साहब? हाँ, और हमें उनका फोन नंबर भी मालूम है। क्यों नबील? मुझे तो जबान नहीं याद है। नबील जावेद साहब तो मान नहीं रहे, तो फिर ऐसा करते हैं कि भाभी जी को मलेशिया फोन करके बात कर लेते हैं। चले ठीक है, फिर सारे काम वो करवा देंगी। चले मैं अरे 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 मैं करवा रहा हूँ ना सारे काम। अच्छा
अच्छा, अरे आप बोलो तो मैं पूरा घर रेनोवेट करवा के दे देता हूँ आपको। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस ये जो काम है ना आप यही करवा दे हमें। हाँ, डन है। एक्चुअली जावे सर, किराया देने में ना जरा प्रॉब्लम सा हो रहा है। अरे भाई, किराया मांग कर रहा है आप लोगों से, जब तक आप लोग का दिल चाहे आ रहे हैं आप। क्या मतलब है जब तक दिल चाहे रहे? डार्लिंग वो, अरे अगर ये लोग घर खाली नहीं करेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? मैं तुम्हें एक नया फ्लैट ला के दे दूंगा ना। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या दबाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मेरी मेरी बात तो हमें दुआएं देगी, हमने उसे बचा लिया। अरे जावेद साहब, रो क्यों रहे हैं? समोसे खाएं, हमारे पैसे जाया हो जाएंगे यार। ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कर डाला? अरे हमने क्या किया जावेद साहब, उस लालची लड़की से आपकी जान छुड़वा दी, आपको तो हमें थैंक यू कहना चाहिए, ऊपर से आप हमें सुना रहे हैं यार। है? अरे वो तो शुक्र करें कि आपकी असली बीवी को पता नहीं चला, वरना सारी जायदाद तो गई थी ना आपकी। हाँ यार, कह तो तुम लोग ठीक रहे हो। नबील, नबील क्या हुआ जानू? वो जावेद साहब की बीवी का फोन आया था मलेशिया से। फिर क्या हुआ? होना क्या था, माजी ने फोन उठाया और कह दिया कि जावेद साहब तो अपनी बीवी के साथ हमारे घर आए हुए हैं। क्या? जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब।